कंटिन्यू करते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्त नष्टा। इसे सुन के व्याघ्र जी यानी कि हमारे टाइगर भैया इसे सुन के बहुत ही डर जाते हैं और डर के मारे भागने चले जाते हैं। नेक्स्ट आपके एक श्लोक आते हैं, निज बुद्ध्या विमुक्त सबयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमालो के मुच्यते महतो भयात। तो यहाँ पर बस यही कही जाती है कि कैसे एक टाइगर एक स्त्री के सुन के मारने लगता है यानी कि भागने लगता है। बुद्धिमती की इस बुद्धि की वजह से यह व्याघ्र डर के मारे भागने लगता है। इसी तरह किसी अन्य के पास भी इसी तरह की बुद्धि हो तो ये भी अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके एक व्याघ्र को भगा सकता है। इस श्लोक का अर्थ यही है। भयाकुल व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त शृगाल हसन आह। इस भयाकुल व्याघ्र को देखे कोई धूर्त शृगाल यानी कि आपकी जैकल है वो कहता है, बहुत हंस के कहता है, भवान कुतः भयात पलायत, आप कहाँ भाग के मारे जा रहे हैं। भवान यानी कि वो आपके क्या कहते हैं तुम नहीं बल्कि कुछ रेस्पेक्ट के वर्ड यूज़ करके वो अपने टाइगर को एड्रेस कर रहा है। व्याघ्र गच्च गच्च जम्बुका त्वमपि किंचित् गूढ प्रदेशम। व्याघ्र कहने लगता है तुम भी जाओ जम्बुका कहीं गूढ़ प्रदेश में यानी कि कोई सीक्रेट प्लेस में जाके चुप जाना। ये तो व्याघ्र मारी थी या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हम तुम्हारा बदा प्रहम परम गृहीतकर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत। यदि ये व्याघ्र मारी यानी कि व्याघ्र को जो मारती है ये टाइगर किलिंग लेडी तेरे बारे में भी सुन जाती है तो तुझे भी मारने लगेगी। हम दोनों के भी मारेगी थी इसी वजह से जल्द यहाँ पर से जल्द से जल्द भागने लगते हैं। शृगाला व्याघ्र टाइगर त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यद मानुषादपि विवेशी। आप बहुत ही हंसने वाली चीज़ को बता रहे हैं। आप एक शून्य सी एक लड़की को देख इतना डर रहे हैं आप। यानी कि टाइगर तो एक बहुत क्या कहते हो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जंगल में यानी कि बहुत फेरोशियस कहते हैं उनके। आप एक साधु सा ह्यूमन को देख इतना डर क्यों रहे हो, यही ये शृगाल पूछने जाते हैं। अब व्याघ्र जी कहने लगते हैं, प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्र एकैकेषु माम अत्तुम कलायमानो चपेट्य प्रहरन्ति दृष्टा। अब कहते हैं व्याघ्र जी कि अभी अभी मैंने देखा कि उसने उसके पुत्रों से कहा मुझे कैसे खाने के लिए, ये उसको मार मार के कह रही थी कि उसे कैसे खाने के लिए। मैंने इस चीज़ को खुद की आंखों से देखे आया है। जम्बू कहा, स्वामिन यत्रस्य साधुर तत्र गम्यताम। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सासमुखमपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्य इति। स्वामी जी अब हम जल्दी से यहाँ पर से भागते हैं कहाँ उस लड़की की तरफ, कहाँ बुद्धिमते उधर हम चले जाते हैं क्योंकि ये बताता है कि उसे भी देखना था कि कैसी है ये लड़की जिसको देखिए ये व्याघ्र ही खुद इतना डर रहे हैं। यदि वो आपके सामने आएगी तो मैं आपके आपके आगे मैं आऊँगा और मुझे ही वो मार डालेगी तो आपको नहीं मारेगी। इसे सुन के व्याघ्र को भी कुछ लगता है, हाँ ठीक है हम भी चलेंगे। ये नेक्स्ट लाइन में यही हो रहा है। व्याघ्र शृगाला यदि तुम माँ मक्त यासी तदा वेला पी वेला स्यात। ये शृगाल से कह रहा कि शृगाल बहुत चालुक पर्सन होता है, आपको पता है बहुत कनिंग सा है। इसी वजह से व्याघ्र जी कहते हैं कि मुझे पता है कि यदि तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगे तो हम दोनों के भी टाइम उड़ जाएगी क्योंकि ये टाइगर की लेडी जो आप कहते हैं ये बुद्धिमती बहुत चाली सी है, चालुक है तो हम नहीं कह सकते कि क्या कर सकती है। सो नेक्स्ट लाइन मैं देख सकते हैं कि जम्बुका यानी कि जम्बुका का मतलब सेम ही है शृगाला के साथ। आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऐसे पूछ सकते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। यदि एवं तरी माने जगले बद्ध छला सत्वरम तो हम एक काम करेंगे कि हम रोप टाई करेंगे हमारे गले में। यहाँ पर आप पिक्चर को देख सकते हैं कि ये अपने नेक्स्ट को टाई किए हुए हैं। सो नेक्स्ट में देखेंगे स व्याघ्रतता कृत्वा कारणम ययो। ययो का मतलब ये है कि वो जाते हैं, इट्स अ न्यू वर्ड आई गेस क्योंकि सबसे पहले हम यूज़ करते थे कि गच्छति वगैरह तो एक नया सा वर्ड है ययो यानी कि जाना। ओके तो दोनों भी सत्वरम यानी कि बहुत फास्ट से कानन यानी कि फॉरेस्ट में चले जाते हैं। शृगाले ने सतम पुनारायण तुम व्याघ्रम दूरदृष्व बुद्धिमती चिंतितवती। सो शृगाल के साथ ये जो टाइगर फिर से आ रहे हैं उनको देख के बुद्धिमती फिर से सोचने लगती है। जम्बुका सोहाद व्याघ्रत कथम मुच्छताम। अब देखो ये टाइगर तो एक
फॉरेस्ट की सेकंड किंग की तरह है, ये कुछ डर के मारे व्याघ्र को भी लेके आ रहा है, मुझे उससे क्यों डरना है। परम प्रत्युत्पन्न मिथा जम्बु का मक्षपंथी अंगुल्या तर्जयंती हुआ छा। सर फिर से उन्होंने अपने हाथ को दिखा के ऐसे दिखा रही थी, आपके अंगुल्या ने कि सिंगों को दिखाते हुए जाकर की तरफ के पूछने लगती हैं कि रे रे दुर्था त्वया दत्तम माह्यम व्याघ्र त्वयम पुरा। सो कहती है कि हे दुर्ता जैकल, तुमने मुझे बताया कि तुम मुझे तीन व्याघ्र लेके आओगे, विश्वास अध्यक्ष एकम आनी अकथम यासी वधा दुना। सो कहती है कि मुझे विश्वास था कि तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करोगे, पर तुमने तो एक ही लाया, तुमने तो मुझे बताया था कि तीन लोगे पर एक ही लाए हो, मेरे प्रॉमिस को क्यों नहीं फुलफिल किया, अब बताओ। इत्युक्त धावित तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकर। इसी देखे दोनों भी भागने लगते हैं, कौन इष्टृगाल और ये व्याघ्र दोनों जो है वो भागने लगते हैं। व्याघ्रो अपि सहसनष्ट गलाबद्ध श्रृगाल का इसी लाइन का अर्थ ये है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्ता अभवत। सो इसी प्रकार से बुद्धिमती ने अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके व्याघ्र के भय से फिर से निर्णय हो गई। तो अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। जब आपकी बुद्धि जो है आपके हाथों में होती है और आपके इट विल बी इन फिंगर टिप्स, तो तब आप क्या कर सकते हैं, उसके इस्तेमाल से आप कोई सी भी सिचुएशन हो उससे आप बाहर आ सकते हो और आप खुद को सेव कर सकते हो। सब हम क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।